कन्हैया कुमारचे हिंदुत्ववादी विचारांवर जोरदार टीका. हिंदुत्ववादी विचारांवर टीका करत भारत हा राज्यांचा संघ आहे असे मत कन्हैया कुमार यांनी व्यक्त केले. JNU विद्यार्थी संघटना माजी अध्यक्ष कन्हैया कुमार यांनी आज पुण्यात हिंदुत्ववादी विचारांवर जोरदार टीका केली. भारत हा राज्यांचा संघ आहे हे माहीत आहे, पण सध्या अचानक हा नागपूरचा संघ कसा काय मोठा झाला या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला शोधावंच लागेल. ज्या भूमिकेत आंबेडकर जन्मले त्याच भूमिकेत हिंदुत्ववादी सावरकर सुद्धा जन्मतात हेच विशेष आहे. मात्र आपल्याला राष्ट्र हे आंबेडकरांच्या आधारे बनवायचे की सावरकरांच्या आधारे हे आपल्याला ठरवायचे आहे, असे कन्हैया कुमार म्हणाला. पुण्यातील वानवडी येथे महात्मा फुले सांस्कृतिक भवन येथील शनिवारी झालेल्या कार्यक्रमात संविधान की संघ या विषयावर कन्हैया बोलत होता. यावेळी तहसील पुनावाला जगदीश मेवानी, शेहला रशीद हेही उपस्थित होते. मोदी चालसा लिहिणाऱ्यांना आज महत्वाची पदे दिली जात आहेत. चड्डी परिधान करून देशाचे भगवीकरण केले जात आहे. मला प्रश्न पडतो की हे चड्डी आणि हाती काटे घेऊन ISI कसे लढणार आहेत. स्वतःच अर्धी चड्डी घालणारे महिलांच्या डोक्यावरचा पदर का ढळू देत नाहीत, असे सवालही यांचे उपस्थित केले. कुछ लोग बड़े प्रसन्न हुए, आह्लादित थे. सरकार जब बदली तो कहा बस अब तो अच्छे दिन बस दरवाजे पे खड़ा है. बस बस जिस दिन रिंग बेल बजा गेट खोल के उसको अंदर कर लिया. कुछ दिन के बाद उनका PhD जमा हुआ तो पूछे और सर क्या हालचाल है. बोले ठीक है यार, नौकरी ढूंढ रहे हैं. तो बोले अच्छे दिन का क्या हुआ, आया कि नहीं. ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आपको जो कहा गया आपको कितना दिया गया माननीय मोदी जी की. भाषा जो बदली है 2002 के बाद के मोदी जी और 2014 के मोदी जी बिल्कुल अलग हैं. मैं आपको आपको अगर भरोसा नहीं है मेरी बात पे, मुझे उम्मीद है कि होगा, तो आप जो है YouTube पे जाकर के देखिए, आधार कार्ड को लेकर के मोदी जी का एक भाषण है जब वो मुख्यमंत्री थे. आपको लगेगा कि मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी को गाली दे रहे हैं. एकदम ऐसा जो है भाषण है, आपको सुनना चाहिए उसको. उनकी भाषा बदल गई. भाषा क्यों बदल गई, कि उनको लगता है कि नेहरू के बाद सीट खाली है नोबेल प्राइज लेने का. क्योंकि नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी ने कहा कि गांधी जी को अगर नोबेल प्राइज दे देंगे तो नोबेल प्राइज ही जो है वो छोटा हो जाएगा. गांधी जी नोबेल प्राइज से ज्यादा बड़े हैं. तो मोदी जी अचानक से शांति दूत बन गए हैं क्योंकि उनका जो है जूनियर पार्टनर आ गया है. आप ये समझ लीजिए कि धोनी ने जो है अपना कैप्टनशिप जो है विराट कोहली को ट्रांसफर कर दिया. तो जो बात मोदी जी करते थे मुख्यमंत्री होते हुए वही आजकल योगी जी कर रहे हैं. तो मोदी जी जो है वो शांति दूत बन गए हैं. मीडिया जो इन दोनों का दूत है अचानक से शिफ्ट कर लिया है. कहा मोदी जी पहले आपको 80% देते थे, मोदी जी बोले ठीक, बाकी देश में जो जरूरी मुद्दा है उसको 2% और 18% हम हमेशा जो है अपोजिशन को गाली देने में लगाते हैं. अगली बार अभी हम प्रोपोर्शन चेंज करने जा रहे हैं. अब 80% जो है वो योगी जी को रहेगा, 18% आपको देंगे और 2% जो है वो थोड़ी बहुत जो है देश के मुद्दों पे बात हो जाएगी.